प्रदेश के दौरे पे आए, बिलासपुर में आए, एम्स में एक छुप करके एक आपदा के नाम पे एक मीटिंग की और उसमें केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाया गया था, उनकी नेम प्लेट्स लगाई गई थी एम्स के किसी हॉल में मीटिंग की हो और पत्रकार बंधुओं तक को इनकार कर दिया गया कि आप भी मीटिंग से बाहर हो जाएं, ये आपदा के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, इसमें सर्वदलीय लोगों को बुलाया जाना पड़ता है और जो चुने हुए विधायक हैं कांग्रेस के भी जो विधायक हैं उनको नहीं बुलाया गया, कांग्रेस का कोई विधायक नहीं था, कोई प्रधान नहीं था, कोई नेता नहीं था, केवल मात्र भाजपा के MLA और XML और उनके जिला के पदाधिकारी, जिला प्रधान, उनके पट्टियाँ लगाई गई थी ये कुर्सी इसके लिए उसके लिए, तो ये कैसी आपदा की मीटिंग करके गए। और फिर जब किसी पत्रकार वार्ता में किसी हमारे आदरणीय पत्रकार ने पूछा कि आपदा के लिए आप हिमाचल प्रदेश के अंदर आए हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है, आपदा का कोई प्रश्न नहीं है, तो आप हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा के लिए मीटिंग कर रहे हैं, दूसरे दलों को वंचित कर रहे हैं मीटिंग में आने से, प्रशासन को ये दिखा रहे हैं कि जो भी हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर हम ही कर रहे हैं, एक रुपया आपने अभी तक नहीं दिया है, जो किस्तों की बात कर रहे हो, किस्तें जो हैं या प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कर रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो पैसा आना है वो तो आना ही है, वो हर राज्य को आता है, कोई किस्त आपने एडवांस करके दे दी लेकिन राहत के तौर पर क्या दिया, राहत पैकेज के तौर पर आपने हिमाचल प्रदेश को क्या दिया है वो हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आदरणीय नड्डा जी, आपने निधि से क्या दिया, 6 करोड़ निधि आपकी है, 5 करोड़ रुपए अनुराग जी की है, 5-5 करोड़ रुपए बाकी जो है MP हैं आपकी उनकी है, उस निधि में से आपने क्या दिया, उस निधि में से जो भारतीय जनता पार्टी के जो MLA हैं उन MLA ने जो है कितना धन जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में डाला आपदा के नाम पे, एक आपका विधायक जो है त्रिपाल के नाम पे जो है STM को धमका रहा है, यदि त्रिपाल देने हैं तो विधायक अपनी निधि से पैसा दे, आप लोग जो है प्रशासन को कांग्रेसियों को गाली गलौज कर रहे हैं और प्रशासन के साथ मीटिंग कर करके ये दिखा रहे हैं कि भाई जो भी हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि आप केंद्र सरकार से कोई राहत पैकेज जो है हिमाचल प्रदेश को लेकर के नहीं आए हैं, उल्टे वहाँ पे अड़ंगे बन रहे हैं जाकर के ताकि आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश के अंदर गहराए। आपदा के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। नड्डा साहब से तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका तो ये जिला है बिलासपुर, आपने अपने जिला को कुछ नहीं दिया, आपने चुनाव क्षेत्र को कुछ नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण आपका दौरा हिमाचल प्रदेश का रहा है इसकी, और ये कहना कि आपदा के ऊपर कोई बात करने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा सकता हिमाचल प्रदेश को, तो ये आपकी दोहरी दोगली नीति को दर्शाता है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये आपकी नीति है और इस नीति के ऊपर चल करके आप हिमाचल प्रदेश की जनता को तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके गुमराह करना चाहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की जनता अच्छी तरह से आपकी नीतियों को जानती है।